जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे। न्यूज क्लिक पर मेरे साथ बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल सभा अब तक तेरी है। नमस्कार, बोल कि लब आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। क्या सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने झूठ बोला और क्या यह झूठ बोलना स्वीकार है क्योंकि मुद्दा कश्मीर को लेकर है? मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो गलत बयानी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने की है, जिसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो केंद्र सरकार पर अदालत की अवमानना का मामला शुरू करना चाहिए। वो मुद्दा क्या है, उसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे, मैं आपको बताऊंगा। मगर मैं क्यों कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने गलत बयानी की? केंद्र सरकार ने अपनी एक याचिका में कहा कि कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज को घर में नजरबंद नहीं रखा गया है, और टू कोट द एप्लीकेशन बाय द गवर्नमेंट, वॉज नेवर डिटेन्ड और पुट अंडर हाउस अरेस्ट, यानी कि ना उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया और ना उन्हें नजरबंद रखा गया। अब मैं कुछ और नहीं, आपको एनडीटीवी की यह रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं जिससे केंद्र सरकार के झूठ की पोल खुल जाती है। नजीर मसूदी की यह रिपोर्ट है, आप खुद देखिए। आप सुनिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, देश गवर्नमेंट ने कहा सोचा फ्री हैं और वो कहीं भी जा सकते हैं, वो कभी गिरफ्तार नहीं थे और इन पे लड़ मारी इस पुलिस पर। मैं कहता हूं आपको, ये पुलिस स्टेट बन गई है, ये सिपाही मुझे रोक रहे हैं, आप ये देख रहे हैं मुझे, और ये सुप्रीम कोर्ट को बताइए। अगर प्रेस की फ्रीडम है, आप मेरी आवाज वहां ले लीजिए। सिपाही मुझे रोक रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कहती है सोसा फ्री है। तो देखा, खुद सैफुद्दीन सोज को उनके घर छोड़ने की अनुमति नहीं है, बात यहां नहीं रुकती है। सैफुद्दीन सोज ने टेलीग्राफ को दिए गए इंटरव्यू में कहा है कि आई ट्राइड टू स्टेप आउट ऑफ माई होम एट 5:30 टूडे But I was turned back by the police. मैं अपने घर से शाम को 5:30 निकलने की कोशिश कर रहा था, मगर मुझे पुलिस ने वापस भेज दिया। आपको आपको बाहर जाना अलाउड है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सामने गवर्नमेंट ने कहा आई एम ए फ्री पर्सन, लेकिन यहाँ ये लोग नहीं मानते हैं, ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है, अब मैं उसका क्या कर सकता हूँ। ये आप देखते हैं शहरी आजादी को क्या हो गया। सुप्रीम कोर्ट के सामने झूठ बोला जाता है, इसको आप तो हाईलाइट कर ही सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने इस गवर्नमेंट ने, उस गवर्नमेंट ने कहा कि और मैं आपको यह बता दूं कि अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सैफुद्दीन सोज की नुमाइंदगी कर रहे थे अदालत में, उन्होंने क्या कहा है। अभिषेक मनु सिंघवी ने हैरत जताई है प्रशासन के रवैये पर। उन्होंने कहा है कि वरिष्ठ नेता पिछले काफी अरसे से अवैध तरीके से घर में नजरबंद किए गए हैं। मगर आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने क्या कहा इस मुद्दे पर, या ये कहा जाए प्रशासन ने क्या कहा इस मुद्दे पर, क्योंकि प्रशासन केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। सोलिसिटर जनरल जो हैं वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे थे, तुषार मेहता। जी हाँ, तुषार मेहता, जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के अहंकार, उनकी गलत बयानी का चेहरा बन गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल और पूरी तरह से आजाद हैं सैफुद्दीन सोज, उन्हें कोई नहीं रोक रहा है। और इसके बाद अदालत क्या कहती है, जस्टिस अरुण मिश्रा कहते हैं, अब इस संदर्भ में हमें किसी और याचिका को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है और हम अपील को खारिज करते हैं। आज मैं जस्टिस अरुण मिश्रा से ही अपील करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहूंगा कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में एनडीटीवी की रिपोर्ट दिखाई जिसमें आपने देखा कि सैफुद्दीन सोज अभी भी अपने घर के अंदर हैं। वो खुद बयान दे रहे हैं कि मैं अपने घर में बंद हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान लेगी।
मैं आपसे ये तमाम बातें क्यों कह रहा हूं, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए हो क्या रहा है आज की तारीख में, जम्मू कश्मीर में जितने भी नेता जिनका भारतीय संविधान में विश्वास है, जिनका भारत में विश्वास है, सबको या तो लंबे अरसे से नजरबंद किया गया है या एक लंबे अरसे तक नजरबंद थे और अब जाके रिहा हुए हैं। इन चेहरों पर गौर कीजिए, शाह फैसल, महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जो अब रिहा हो गए हैं मगर एक अरसे तक बंद थे, ये वो तमाम लोग हैं जिनका इंडियन स्टेट में विश्वास है, भारत में विश्वास है, जिन्होंने बार बार जम्मू कश्मीर की जनता से अपील की है कि आप बाहर आए वोट दें। एक ऐसे मौके पर जब आतंकवादी जम्मू कश्मीर की जनता को रोक रहे थे वोट देने से, मेरी बात ये पूरी तरह से मेरी समझ के परे है कि आखिर जिस राजनेता का भारत में विश्वास है उन्हें आप नजरबंद क्यों कर रहे हैं? इस कार्रवाई से कौन खुश होगा? इस कार्रवाई से दो ही लोग खुश होंगे, एक तो पृथकतावादी सेपरेटिस्ट जिनका भारत में विश्वास नहीं है, और दूसरा आतंकवादी और पाकिस्तान। क्यों? क्योंकि होगा क्या कि जैसे ही आप जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्य धारा के जो राजनेता हैं उनकी आवाज को दबाएंगे, वहां की जनता को दबाएंगे, तो ऐसे में जो सेपरेटिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, वो मजबूत होंगे, क्योंकि उनका तो वैसे ही विश्वास नहीं है भारत के ऊपर, तो ऐसे में वो मजबूत होंगे। मैं आपको बता दूं कि सैफुद्दीन सोज के बेटे सलमान सोज ने इस मुद्दे पे क्या कहा है, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। डियर पीएम नरेंद्र मोदी, यू लीड अ गवर्नमेंट ऑफ लायर्स। फॉर अ ईयर माय फादर वाज नॉट अलाउड बाय पुलिस टू लीव आवर होम, दे हैड नो रिटन ऑर्डर्स। नाउ जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट लाइज, सेज ही वाजंट अंडर हाउस अरेस्ट। हाउ लो विल यू गो? वेल, आफ्टर नो इंट्रूजन एनीथिंग इज पॉसिबल। सलमान सोज यहां क्या कह रहे हैं कि मोदी सरकार झूठों की सरकार है, मगर हमें हैरत में नहीं आना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार ने तो यह भी दावा किया था कि चीन ने घुसपैठ नहीं की थी। अब जब आप इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं तो यह तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। अब इस मुद्दे पर उमर अब्दुल्ला ने द वायर को एक वीडियो कॉल के जरिए इंटरव्यू दिया है और इसमें उन्होंने कुछ अहम बातें की हैं जिस पर आपको गौर करने की जरूरत है, जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उमर अब्दुल्ला कहते हैं, द मजिस्ट्रेट केम विद हिज रबर स्टैंप एंड हिज पेन, अज्यूमिंग दैट आई वुड साइन इट क्वाइट हैप्पीली एंड रन अवे, एंड ही गेव मी द बॉन्ड एंड सेड, यू साइन दिस एंड यू कैन लीव, एंड द बॉन्ड सेज दैट आई विल रिमेन साइलेंट ऑन ऑल डेवलपमेंट्स इन जम्मू कश्मीर सब्सिक्वेंट टू August 5, 2019 फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, which is basically tantamount to saying that I will no longer be a politician. I said, no, I am not going to sign this bond because to sign it silences me for the future. केंद्र सरकार उमर अब्दुल्ला की आवाज को बंद करने की कोशिश कर रही थी। ये बात जो है हमारे समझ के परे है। मैं आपको बता चुका हूं, उमर अब्दुल्ला वो हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर की आम जनता से ये अपील की थी कि वो बाहर आए वोट करें, एक ऐसे वक्त जब आतंकवादी, जब हिजबुल मुजाहिदीन, लश्कर ए तैयबा जम्मू कश्मीर की जनता को धमकी दे रहे थे कि आप वोट ना करें। तो ऐसे में उमर अब्दुल्ला जैसे राजनेताओं, शाह फैसल जैसे राजनेताओं, सैफुद्दीन सोज जैसे राजनेताओं पर दबाव बनाने का तुक क्या है? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है। क्या इस बात पर केंद्र सरकार को गौर करने की जरूरत नहीं है? यह आखिर भारत के हित में कैसे हो सकता है? मुझे डर इस बात का है कि केंद्र सरकार का यह रवैया कहीं ना कहीं कश्मीरी जनता को भारत से दूर करता जा रहा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं इस देश के मध्यम वर्गीय परिवारों से। आजकल स्कूल्स बंद हैं, आपके और हमारे बच्चे घरों में बैठकर ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि कश्मीर के अंदर 3G काम नहीं कर रहा है, 4G काम नहीं कर रहा है, स्कूल्स पहले ही नहीं चल रहे हैं, ऊपर से ऑनलाइन क्लासेस भी संभव नहीं है। आप कल्पना कीजिए अगर आपका बच्चा इस स्थिति में होता तो क्या होता? ऐसे में उनके साल दर साल बर्बाद होते रहेंगे, उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा। और अगर उनके बच्चों का भविष्य बर्बाद होता रहेगा तो आपसे मैं एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि आम कश्मीरी भारतीय मुख्य धारा में कैसे शामिल होगा?
आप ना भूलें कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हीलिंग टच की बात की थी, और जब उन्होंने हीलिंग टच की बात की थी तो उन्होंने कश्मीरी को भारतीय मुख्यधारा में जोड़ने की बात कही थी, उसे तोड़ने की, उसे अलग करने की बात नहीं की थी। कल्पना कीजिए कि अगर आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ना पढ़ पाए और इसी तरह से उसका वक्त बर्बाद होता रहे। ये जो दोनों घटनाएं आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं ना, जिस तरह से सैफुद्दीन सोज के मामले में केंद्र सरकार ने झूठ बोला, और दूसरी तरफ जिस तरह से बच्चे जो हैं वहां पढ़ नहीं पा रहे हैं, पृथकतावादी वहां मजबूत हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है ये तमाम बातें इस बात का प्रमाण है कि केंद्र सरकार की रणनीति में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट को झूठ बोलने की, गलत बयान करने की, तो कश्मीर के मुद्दे पर तो हो ही रहा है, मगर जब कोरोना संकट के बाद जब मजदूर सड़क पर था तो केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक नहीं दो दो बार झूठ बोला। आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक कार्यक्रम किया था, आइए इसकी एक छोटी सी झलक देखते हैं। याद है खबर आपको, जब मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था कि इस वक्त सड़क पर एक भी प्रवासी मजदूर नहीं है और हमने 23 लाख मजदूरों को मदद मुहैया कराई है, और आप जानते हैं कि यह सरासर झूठ था, क्योंकि सड़क पर न सिर्फ मजदूर चल रहा था बल्कि वो मर रहा था, उसके बच्चे मर रहे थे, ढेरों मिसालें सामने उभर कर आई थी। ये होते हैं गिद्ध जो अदालत के सामने झूठ बोलते हैं गरीब मजदूरों के नाम पर। जब इस लड़की ने इस साइकिल पर बैठकर अपने पिता को गुरुग्राम से बिहार तक पहुंचाया था तब आपको शर्मिंदा होना चाहिए था, मगर आपके मंत्री रविशंकर प्रसाद, किरण रिजिजू, रामविलास पासवान, ये तमाम लोग कह रहे थे कि इसे साइकिलिंग फेडरेशन में इसे जगह दी जाए और साइकिलिंग प्रतियोगिता में इसे शामिल किया जाए। ये सोच होती है गिद्ध वाली सोच, और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि उस लड़की ज्योति पासवान ने आपके मुंह पे करारा तमाचा मारा जब उसने आपके ऑफर को ठुकरा दिया था। उसने कहा कि मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है। उसकी गुर्बत पर, उसकी मजबूरी को जो सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश करता है ना, वो होता है गिद्ध। और कल एक बार फिर आपने ये प्रमाणित किया है कि आप गिद्ध हैं अदालत के सामने, क्योंकि अब तक आपके प्रवक्ता क्या कह रहे थे, आपके प्रवक्ता ये कह रहे थे कि जो गरीब मजदूर अपने घर जा रहा है हम उससे पैसे नहीं ले रहे हैं, जबकि ढेरों मिसालें थी जहां गरीब को टिकट के पैसे देने पड़ रहे थे, चाहे गुजरात सरकार का वो फरमान हो या फिर रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यादव साहब हों जिन्होंने कहा था कि हम मजदूर से इसलिए पैसा ले रहे हैं क्योंकि मजदूर कहीं ऐसे ही ना पहुंच जाए रेलवे स्टेशन, जैसे कि मजदूर जो है वो मजे ले रहा है, घर जो है वो मजे लेने के लिए जा रहा है। मैं जो आपके सामने बात रखने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या है, कल अदालत के सामने केंद्र सरकार ने क्या कहा मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया और आपके स्क्रीन्स पर, इन द स्टेटमेंट टू द कोर्ट सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता हु वॉज रिप्रेजेंटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट सेड द फेयर फॉर द स्पेशल श्रमिक ट्रेन ऑर्गेनाइज बाय द रेलवे इज पेड आइदर बाय द ओरिजिनेटिंग स्टेट और बाय द रिसीविंग स्टेट, जिसका अर्थ क्या हुआ कि जो पैसा गरीब मजदूर पे कर रहा है वो या तो जिस राज्य से वो चल रहा है वो राज्य वो पैसे दे रहा है, या जिस राज्य को वो जा रहा है वो पैसे दे रहा है। और संबित पात्रा ने हमें क्या बताया था, संबित पात्रा ने हमें ये बताया था कि 85% जो है वो भारत सरकार पे कर रही है। तो चाहे कश्मीर में सैफुद्दीन सोज का मामला हो या फिर कोरोना संकट के बाद गरीब जिस दोजक से, जिस नर्क से गुजर रहा है, इन तमाम मामलों में केंद्र सरकार तुषार मेहता के जरिए सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी करती है। क्या ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट को दिखाई और सुनाई नहीं देती? क्या ये मुद्दा उठाया जाना जरूरी नहीं है? सोचिएगा इस बारे में। बहरहाल बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। मेरी आप सबसे अपील कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसे लाइक करें, शेयर करें, और न्यूज क्लिक के हमारे चैनल को न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि हाँ उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन तक पहुंच जाए। नमस्कार।